बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो आज हम चलते हैं नमल झील की तरफ मूसा खैल से होते हुए। तो ये सबसे पहले आप देखें मियांवाली है, यहाँ से हम जहाज चौक से होते हुए सीधा पहुंचेंगे अपने उन बच्चों के पास जिनकी तरफ से आज हमें इनविटेशन है, स्पेशल इनविटेशन। आप भी हमारे साथ रहिए और देखें किस तरह से आज का दिन हम कैसे एंजॉय करते हैं। तो चले हमारे साथ रहिए। देखा हम मियांवाली शहर से निकले और अब हम मूसा खैल की पहाड़ी में सब मौजूद हैं। तो आज का हमारा ये व्लॉग इंशाल्लाह आपको बहुत ही मजे का लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। हमने कोशिश की है कि पुराना रूट जो मूसा खैल को पिंडी रोड से जोड़ रहा है, तो हमने वो रास्ता सिलेक्ट किया। ये बहुत ही मजे का और इंटरेस्टिंग रास्ता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पहाड़ी बल थे और बहुत ज्यादा मुश्किल रास्ता था। तो लेकिन बाइक पे आपने देखा कि हमारे लिए यहाँ पे बहुत ही मजेदार सा हमारे पास एक सफर रहा। तो अब हम चलेंगे यहाँ से। इस वक्त मैं मूसा खैल की पहाड़ी के ऊपर खड़ा हूँ और यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाता हूँ कि जो नया रोड यहाँ पे बनाया गया है जो नमल कॉलेज को या पिंडी रोड को यहाँ से जोड़ रहा है। तो इसके अंदर आज हमारा जो मेन इस वीलॉग का मकसद है, आज हम अपने बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स थे माशाल्लाह उनके बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं, तो उनकी तरफ से एक पार्टी हमें दी जा रही है। तो वो नमल झील के किनारे इंशाल्लाह मैं सर माजिद रशीद साहब हम लोग वहाँ पे जाके आज बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे और हमारी वहाँ पे बारबेक्यू पार्टी भी है वहाँ पे। तो इंशाल्लाह आप खा तो नहीं सकेंगे लेकिन ये है कि उसको आप एंजॉय जरूर कर सकते हैं। तो चले मैं आपको लिंक रोड दिखाता हूँ जो नया रोड है जो पिंडी रोड को यहाँ से जोड़ रहा है। तो अब देखें मैं इस वक्त मौजूद हूँ पहाड़ी के बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर और वहां से आपको नजर आ रहा हो बसें वगैरह नजर आ रही हैं आपको। वो एक नया रोड बनाया गया जो बाईपास के तौर पे आप समझ लें, उसमें चढ़ाइयां कम है, मुश्किल कम है रास्ता, वो बड़ा प्लेन सा एक स्मूथ सा रास्ता है। तो इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे बड़ा मसला हुआ करता था किसी दौर में क्योंकि हैवी ट्रांसपोर्ट, चूँकि ये जनूबी पंजाब और उन इलाकों को ये पिंडी इस्लामाबाद के साथ जोड़ता है ये वाला रास्ता। तो ये यहाँ से देखें आपको वो नज़र आ रहा है रोड। तो अब ये हमने ये सिलेक्ट किया है इसलिए रास्ता ये रूट ताकि हम अपने व्यूअर्स को दिखा सकें, खासतौर पे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारे मियांवाली में बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। और स्पेशली अभी जब मैं यहाँ से निकलूँगा पहाड़ी में से, तो जो सबसे ब्यूटीफुल यहाँ पर सीन है वो नमल झील का सीन है, साथ में नमल कॉलेज। तो चलिए अब वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये खूबसूरत नज़ारे मियांवाली के हमारे पास मौजूद हैं। तो हम अपनी तरफ से आप लोगों को ये गिफ्ट भी करते हैं और आप लोगों को ये शो करते हैं कि आप भी जब भी मियांवाली हैं, जब भी आपका यहाँ पे आना हो तो आप ज़रूर इन इलाकों का विज़िट कीजिएगा। चले
वहाँ पे जाके हमने खुद सेल्फ कुकिंग है आज, और सेल्फ कुकिंग के बाद हम लोग आपको दिखाएंगे कि बारबेक्यू बनता कैसे है और फिर खाया कैसे जाता है, ये भी चला आज के ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। तो चलो अब हम पहुँचने वाले हैं अपने डबल व्यू की तरफ।
साहब ने ली हुई है। ठीक है, ये इसको उतार ले। जी तो अब आप देखें हमारा बारबेक्यू तकरीबन तैयार है और हम कोशिश कर रहे हैं कि साथ साथ में सर्व भी करते जाएं हमारे सारे साथी। काफ़ी यहाँ पे खुशबू है जो यकीनन आप लोग महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन हम सारे लोग यहाँ पे हमारा जैसे कहते हैं कि लड्डू फूट रहे हैं हमारे मन में। तो मैं अपने सारे साथियों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊँगा, तो एक एक करके आप सारे लोग मेरे करीब आते जाएं तो मैं आप लोगों को एक एक सीख पकड़ाता जा रहा हूं। तो आप लोग खुद अपनी मदद आपके तहत, तो मैंने आपसे कहा था कि यकीनन आप लोग इसको देख सकेंगे, इसको टेस्ट नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले सर माजिद बशीर साहब तो हम इसमें तो यही इंजॉयमेंट होती है हमारे बच्चों के साथ, खुशी होती है। हमने यहाँ पे यही कोशिश की, हमारे बच्चों ने इनवाइट किया तो हम होटलों पे या घरों में तो बंदा रूटीन में खाना खाता रहता है, तो खाने की एज सच कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती। मिल बैठना अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, अपने बच्चों के साथ, तो हमारे लिए यकीनन ये बहुत ही खुशी का मकाम है कि हमारे बच्चों ने इतना अच्छा अटैम्प्ट किया। हालाँकि नो डाउट लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं रिज़ल्ट के हवाले से, उसमें बच्चों के बहुत अच्छे स्कोर बच्चों ने लिए और ये स्कोर भी वही बच्चे ले पाए हैं जिन्होंने खूब मेहनत की है। अगर फॉर एग्जांपल फुल एग्ज़ाम भी होता तो ये बच्चे 1000+ के बच्चे थे, तो इनकी कामयाबी में ही हमारी टीचर्स की असल कामयाबी हुआ करती है। तो मेरे ये जो वीडियो है, जो वीलॉग है, जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मेरा उन सबसे ये पैगाम है कि आपका ये जो रिज़ल्ट होता है वो सिर्फ आप लोगों का इंडिविजुअल रिज़ल्ट नहीं होता, बल्कि उसकी कामयाबी, उसमें जो डिस्टिंक्शन होती है या कामयाबी होती है वो हम सब की होती है, हम टीचर्स की होती है, पेरेंट्स की होती है। और सबसे बढ़ के ये जिस इलाके में आज हम मौजूद हैं, ये थाना चिकड़ाला का इलाका है, कलरी, रिक्खी, थम्मे वाली, ये सारा एरिया इसी बेल्ट के बच्चे थे। तो इस वक्त हम लोग यहाँ पर आपको नवल कॉलेज की लाइट्स भी नज़र आ रही होंगी, ये सारे लोगों के पीछे आपको नज़र आ रही होंगी। ये जो आपको पानी का नज़ारा नज़र आ रहा है ये नवल झील है, तो नवल कॉलेज बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर आप समझ लें यहाँ पे मौजूद है। तो इस वक्त सूरज ग़ुरूब हो रहा है और मगरिब की नमाज का टाइम हुआ जाता है, तो हम लोग यहाँ पे अपनी पार्टी इंजॉय कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमारा यहाँ पे आने का बेसिक पर्पस जैसे मैंने आपको बताया कि वो यही था कि हम लोग यहाँ पर आएँ और ख़ुद यहाँ पर हम अपनी मदद आपके तहत खुद पार्टी करें, खुद चीज़ें बनाएँ, कुक करें। अब हम सारे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब मैं अगर यहाँ पे बारबेक्यू बना रहा हूँ तो सर अंसर साहब यहाँ पे कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं,
सर तौकीर साहब यहाँ पे हमारी लाइव वीडियोस फेसबुक पे चला रहे हैं, तो माजिद बशीर साहब वो खा रहे हैं, देखें दूसरी सीख हमसे लेके जा रहे हैं। तो कुछ लोग खाने के लिए भी होते हैं कुछ लोग, और ये काशान साहब बैठे हैं, काशान साहब माशाल्लाह इन्होंने भी बहुत अच्छा रिजल्ट, ये कलरी से इनका ताल्लुक है। और कैमरे के पीछे ताहा, अभी थोड़ी देर पहले आप उनकी बातें सुन रहे थे, तो ताहा ने माशाल्लाह मैट्रिक में भी 1045 में इनके मार्क्स थे। ताहा मेरे पास आ जाएं तो मैं ये ताहा को अब यहाँ पे ट्रॉफी और वो तो नहीं दे सकता, लेकिन ये एक सीख तिक्का अपनी तरफ से बना के मैं इनको खिला रहा हूँ। तो ये बच्चे आप लोग खाएं, अपनी जान भी बनाएं। इसके बाद सेकंड पोजीशन है नामुल्ला साहब, आप तशरीफ लाएं, तो इनके भी 1094 मार्क्स हैं, तो माशाल्लाह इन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये थमे वाली से इनका ताल्लुक था, तो इनकी तरफ से दावत थी हमें, और हम लोग यहाँ पे आए हैं खुद पका के इनको खिला भी रहे हैं और ख़ुद भी खा रहे हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड पोजीशन नहीं कहते बल्कि सेकंड ही कहते हैं, सर ये मुझे पकड़ा दें प्लीज़ आप, तो ये हमारे पास जो है काशियान, किधर है काशियान, तो ये काशियान को मेरी तरफ से, ये जी आपको मेरी तरफ से सीख कबाब। और इसके बाद कलीमुल्ला, कलीमुल्ला ने वैसे वो बड़ा उसको पता नहीं क्यों शर्म सी आती है, हालांकि जितने नंबर इसने लिए हैं शायद हम में से भी किसी ने भी नहीं लिए थे, लेकिन फिर भी ये परेशान है, तो उसको मैं दो सीखें देता हूँ, गोटियाँ कम है लेकिन ये है कि सीखें दो हैं इनके पास। ये बैठे हैं जी शाबान, ये काशियान के छोटे भाई हैं, और ये आपको कैमरे के साथ में नज़र आ रहे हैं, शायद नज़र आ रहे भी रहे हैं कि सही तरह से। ये सुहेब हैं, ये अभी फर्स्ट ईयर में फेडरल बोर्ड से कर रहे हैं मियांवाली में, ये भी हमारे किस्सा अकेडमी के स्टूडेंट हैं। तो हम लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फुली इंजॉय कर रहे हैं, और लिटरली जैसे मैंने आपको बताया कि कामयाबी का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि हम सब खुश हों, हमसे रिलेटेड लोग खुश हों, हमारे बच्चे खुश हों। तो आज इन बच्चों ने हमारा सर फख्र से बुलंद किया है, हम बहुत बड़ी मतलब जो ख़ास तौर पे मैं ताहा की बात करूँगा कि ताहा के वाले साहब जो मलिक नूर अवान साहब, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और सबसे ज़्यादा जो उनका एक ट्रस्ट था, हम मियांवाली के लोगों के ऊपर एक ट्रस्ट करना, मेरे ऊपर माजिद साहब के ऊपर ट्रस्ट करना, ये बहुत मुश्किल काम था। और फिर हमारा जिस कॉलेज में मैंने इनका एडमिशन कराया वो कॉलेज भी बड़े मसाइल का शिकार था, लेकिन इन बच्चों ने बहुत ही मैच्योर और बहुत ही पोटेंशियल अपना शो किया, और उसका रिज़ल्ट आज सबके सामने है, और इनकी वजह से आज कॉलेज वाले भी बहुत खुश हैं, और कॉलेज का भी एक नेक नामी हो रही है। यकीनन उनकी भी मेहनत है, लेकिन इन बच्चों की कमिटमेंट, हमने मैं अपनी अगर ज़ाती तौर पे बात करूं तो ये सारे बच्चे सेकंड करेंगे कि हमने हॉस्टल में भी इनको कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करने दिया, एकेडमी में भी इनको प्रॉपर टाइम दिया, उसके बाद अगर स्पेयर टाइम होता था तो ख़ासतौर पे मेरा केमिस्ट्री का सब्जेक्ट मैंने कोशिश की है इनके साथ, इनको प्रॉपर टाइम दिया, इनको जाके इनकी कोचिंग की, इनकी ट्रेनिंग की। माजिद बशीर साहब भी बायो के हवाले से, उससे हट के भी हम लोग इनको मतलब लेज़ी नहीं होने दिया हमने इनको, तो यकीनन आज उसका नतीजा, उसकी खुशी हम सबके साथ, हम सारे यहाँ पे मौजूद हैं और सारे इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। इंशाल्लाह नमाज के बाद फिर आपसे आपको ज्वाइन करते हैं। चलें जी, अब मैं और तौकीर साहब रह गए थे, अब हम भी कोशिश करते हैं कि हम बारबेक्यू की खुशबुएँ आ रही हैं, सर ये आप इसको टेस्ट करें। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच जी। मैं भी सर इसको देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही बीफ, मजा आ गया सर। इतना गर्म और इतना टेस्टी है कि मुझसे बोला भी नहीं जाया जा रहा, लेकिन हम फिर भी खा रहे हैं, क्योंकि असल में बारबेक्यू को एंजॉय करने का, उसको स्टोर करके खाने का कोई मजा नहीं है, उसमें जितना आप उसको फ्रेश ताज़ा ताज़ा बनता जा रहा होता है, सर प्लीज़ लें। और साथ साथ हम बना रहे हैं और टेस्ट भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, क्योंकि अभी सेकंड फेज जो हमारा होगा वो इंशाल्लाह चिकन कढ़ाई का है। तो बच्चों मैं आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि आपने इतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे अरेंज कर रखी हैं कि हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर तक इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। अब आप देखें, आपको इलाके की लाइट्स नज़र आना शुरू हो गई हैं, वहाँ पे दिखा दें ज़रा लाइट्स, तो ये नमल कॉलेज की आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये पानी में जो आपको रिफ्लेक्शन भी नज़र आ रहा है, ये नमल कॉलेज है। उसके बाद ये पहाड़ के साथ साथ में रोड जो आते हुए मैंने आपको दिखाया था, अब ये पहाड़ के ऊपर इलाके हैं जो आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये रेजिडेंट्स
लोगों की, और जो साथ में रोड है जो पिंडी की तरफ जा रहा है इस्लामाबाद की तरफ, और मेरी बैक साइड पे आपको रबी अव्वल का चांद नजर आ रहा है। आज की रात बारह रबी अव्वल का दिन था, आज बहुत मुबारक दिन था, नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन था, और सारी दुनिया सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि कायनात की हर चीज़ इस चीज़ की खुशी मना रही है कि उनकी बदौलत ये दुनिया बनाई गई। उनसे मोहब्बत ही हमारी ज़िंदगी को जीने का असल मकसद है, तो उनसे मोहब्बत होगी अगर हमें अपनी माल जान औलाद सबसे बढ़ के अगर हम अपने आका जी से मोहब्बत करेंगे, तो यकीन जाने कि ये दुनिया का सबसे कामयाब तरीन और शॉर्टकट और सिंपल तरीन रास्ता है। तो मैं भी आपसे यही कहूँगा कि अपनी दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, और नबी पाक सल्लम की उसवा को सिर्फ़ एक दिन के लिए, एक रात के लिए उसको मुख्तस ना कर लें, बल्कि कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को उनकी सुन्नत के मुताबिक, उनके उसवा के मुताबिक, जो उनकी तालीमात हैं उनके मुताबिक गुजारेंगे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दुनिया में, मेरा अपना ज़ाती ये तजर्बा है कि दुनिया में भी वो चीज़ आपको मिलती है जिसका आप सिर्फ गुमान ही कर सकते, और आखरत तो यकीनन उन्हीं लोगों की होगी जो सरकार से जुड़े हुए होंगे दुनिया में। तो आप भी ज़रूर इसकी कोशिश किया करें। तो चलें जी, अब हम नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद देख लें आप यहाँ पे, ये कोई बंदा यहाँ पे आके थोड़ा सा पंखा भी चला दे ना। तो पहले हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस तरह इन बच्चों के बारे में उनकी क्या राय है, उनको कब से जानते हैं, और बच्चों के बारे में क्या एक्सपेक्टेशंस थी, और आज क्या वो उस नतीजे पे पहुंचे हैं कि बच्चों ने कुछ अटेम्प्ट किया है किस तरह से। तो चले उनकी राय लेते हैं जी। अंसर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये आज हमारे लिए बाशर फ़ख्र है, हम सब के लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, बल्कि पूरे इलाके के लिए, कि हम उन तलबा के साथ इकट्ठे हैं जिनके साथ हमने मैट्रिक तक वक्त गुजारा। मैट्रिक में मैं, माजिद साहब, माजिद जहांगीर साहब, माजिद बशीर साहब और दूसरे दोस्त नूर साहब वगैरह सब थे, और हमें के साथ जो मेहनत की, आज हम उसी का सिला है मैट्रिक तक, और मैट्रिक के बाद जो आपने इनके साथ मेहनत की और इन्होंने जितना अचीव किया, तो उसका ये मैं कहता हूँ कि सिला है कि आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं, और एक पार्टी जो इन बच्चों की तरफ से दी गई है तो उसमें हम इकट्ठे हुए हैं। हमारी जो तवक्कात थी इन बच्चों से, तो वो उन तवक्कात पे मुकम्मल मैं ये कहूँगा कि ना सिर्फ वो पूरे उतरे बल्कि उससे कुछ ज़्यादा उन्होंने अचीव किया है। जो सिलसिला रहा है तालीम का, दो साल तक उन्होंने पहले मैट्रिक लेवल तक जो हमारा साथ उनके साथ रहा है, लेकिन उसके बाद हमने अपने उन तवक्कात को देखते हुए वो माजिद साहब और माजिद जहांगीर साहब, माजिद बशीर साहब के सपोर्ट किया इन बच्चों को, और इन बच्चों ने वो कर दिखाया जो हम चाहते थे इन बच्चों से। और आज ये ना सिर्फ बच्चे हमारे लिए बायस फ़ख्र हैं, मेरे पूरे इलाके के लिए बायस फ़ख्र हैं, हमारे गवर्नमेंट हाई स्कूल कर्री के लिए ये बच्चे बायस फ़ख्र हैं कि उन्होंने इतने ज़्यादा वो नंबर हासिल किए हैं। और दूसरी बात जो मैं ये कहूँगा कि इससे पहले जितना भी अरसा हाई स्कूल कर्री में मेरा गुजरा है, तो इनके लेवल के टैलेंटेड बच्चे हमारे साथ होते थे, लेकिन एक तो गाइडलाइन उनके बच्चों को इतनी उनकी गाइडलाइन नहीं थी, वो मैट्रिक के बाद कलर कहार एक बहुत ही अच्छा कॉलेज जो है कलर कहार साइंस कॉलेज, उसमें बच्चों ने एडमिशन लिया था, हमारे बहुत से बच्चे थे मुख्तलिफ सेशन के, लेकिन उन्होंने कोई खातिर खा वहाँ कामयाबी नहीं हासिल नहीं की, बल्कि कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो वहाँ ड्राप हो गए। लेकिन ये वो तलबा हैं जिनमें से ताहा नूर, काशियान, एक थमे वाली से नामोला हैं, तो इन्होंने जो हम हमारी तवक्कात थी इनसे, इन्होंने उनसे उससे बहुत ज़्यादा हासिल किया है। तो अब हमारे साथ मलिक अहमद साहब मौजूद हैं, तो मैं उनसे भी ये पूछता हूँ और उनके उनसे भी ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे ये जो बच्चे, जैसे अंसर साहब कह रहे हैं कि ज़्यादातर ये जो इलाका है हम पहाड़ से इस तरफ बैठे हैं, मूसा खैल से इस साइड पे मौजूद हैं, और इन लोगों का ज़्यादातर जो फ़्लो होता है वो इस तरफ ही होता है तलागंग की तरफ, तो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके अपने बच्चों के हवाले से, या इन बच्चों के बारे में जो उन्होंने सुन रखा था, जो उनके बारे में जितना वो जानते थे, क्या इन बच्चों ने उस लेवल पे रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया है, या उनकी अपनी क्या राय है, और स्पेशली रिज़ल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी लोगों की यहाँ पर आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद चल रही है कि क्या ये बच्चे वाकई डिज़र्व करते थे या बच्चे अनएक्सपेक्टेडली नंबर ले गए, तो ये हम मलिक अहमद से बात करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम।
बहुत मेहरबानी माजिद साहब, माजिद जहांगीर साहब और माजिद बशीर साहब अंसर साहब। आज हमारे इलाके में हर तरफ खुशी की एक लहर दौड़ी हुई है। बहुत अरसे के बाद हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, जिसकी वजह से हमारे इलाके में एक तो बच्चों की ताहा हैं, काशियान हैं, नामुल्ला हैं, कलीमुल्ला हैं, ये चार पांच हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर लिए, जिसकी वजह से हमारे इलाके में एक तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन की जो मोटिवेशन पैदा हुई है और दूसरा एक इलाके में खुशी की एक लहर सी दौड़ गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा क्रेडिट जो है ना हमारे इन दो दोस्तों को जाता है, माजिद जहांगीर साहब और माजिद बशीर साहब को, कि जैसे पहले माजिद जहांगीर साहब बता रहे थे कि हमारा फ्लो इस तरफ नहीं होता था, तो इन्होंने अपने सर पे ये बहुत बड़ा बोझ उठाया कि मेरा अपने बच्चा भी था, उसको तो 9th में ले गए थे जो अभी फर्स्ट ईयर में है, इन बच्चों को भी मैट्रिक के बाद ये ले गए, और फिर मैं गाहे बगाहे देखता रहता था कि इन्होंने जितना मेहनत की, इन बच्चों की सुपरविज़न की, कॉलेज में आते जाते रहते थे, उनकी बच्चों की छोटी छोटी, ये जब भी बच्चे वीकेंड पे भी घर आ जाते थे तो अक्सर बेशतर माजिद बशीर साहब का मुझे फ़ोन आ जाता था कि भाई बच्चे जो है ना हफ्ता नहीं रुकते तो बच्चे थे ये रुकते ही नहीं थे वाकई। तो लेकिन ये टीचर्स को मैं सलाम पेश करता हूँ अपने इस इलाके का एक पॉलिटिकल नुमाइंदा होने के हवाले से भी, कि इन्होंने हमारे इलाके पे बहुत बड़ा एहसान किया है, एक नई राह दी है, एक नई जहत दी है, कि हम हमारा ये आलमी होता था कि हमारे बच्चे अक्सर बेशतर कहीं दूर दराज स्कूलों में जाते थे तो स्कूल कॉलेज में तो हम उनकी सुपरविज़न नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से हमारे बच्चे अक्सर बेशतर नाकाम लौटते थे। तो ये एक नया जो है ना एक राह मिली है हमारे इलाके, क्योंकि हम अपने बच्चों को इधर ही अपने इन दोस्तों की निगरानी में ही पढ़ा सकते हैं। तो ये बच्चों का हमारा पहला एक्सपीरियंस था, ये जो ताहा और काशियान की क्लास थी, तो ये पांच छह बच्चे गए, ये जब वहाँ पढ़े। दूसरा सर, वो रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा, क्या बच्चे ये डिजर्व करते थे, जैसे तंकीद हो रही होगी या के ऊपर, जैसे ओवर रिजल्ट के ऊपर हर बच्चे को, क्या ये बच्चे अगर 194 के नंबर ले गए नहीं, ये बच्चे जो है ना हमारे, ये जो बच्चों ने ये नंबर लिए हैं ये तो मैं समझता हूँ 1100 से 1100 नंबर लेने वाले बच्चे थे, ये तो पाँच छः नंबर बदकिस्मती से कहीं से मिस हुई है इनसे, वरना ये बहुत टैलेंटेड बच्चे थे, बहुत अच्छे बच्चे थे, पढ़ने वाले बच्चे थे। मैं खुद इनकी निगरानी करता रहा हूँ, इवन के एक दिन इन बच्चों ने कहा कि हमारे स्कूल में किसी तरीके से कुछ इलाके में बिजली चली गई है, तो मैं रात को ही चला गया था और इन बच्चों को वहाँ से लेकर आया था, हम इनको पूरी तरह देखते रहते थे, जैसे हमारे टीचर ने मेहरबानी की, हम भी जो है ना इनकी निगरानी करते रहते थे, अक्सर बेशतर हम बाज़ारों में भी इनको पकड़ लेते थे कि भाई यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये बच्चे पढ़ने वाले थे, पढ़ने वाले बच्चे थे, टैलेंटेड थे, और अच्छा ये हुआ कि ये ज़ाय होने से बच गए, ये अच्छे असातिज़ा की निगरानी में रहे, उन्होंने इन पर मेहनत की किस अकेडमी में, तो ये अच्छा रिज़ल्ट आया। तो मैं सारे इलाके की तरफ से आप दोनों का स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ, कि और उम्मीद भी करता हूं कि आप आइंदा भी हमारे इलाके के, इस पसमानदा इलाके के बच्चों की इसी तरह सरपरस्ती करते रहेंगे और इनको इसी तरह वहां पर पढ़ाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। तो आपने देखा कि असल में जो बच्चे का अंदर एक पोटेंशियल होता है वो किसी ना किसी तरीके से बाहर निकल के आता है, और जो टैलेंट होता है वो अपना लोहा खुद मनवा लेता है। इसी तरह हमारे साथ माजिद बशीर साहब भी मौजूद हैं, जो इन बच्चों को बचपन से ही जानते हैं, मेरे से पहले ही बच्चों से उनका कंसर्न रहा है, क्योंकि मैं बच्चों को, मेरे जो डायरेक्ट स्टूडेंट तो 9th-10th में हुए, उसके बाद FSC में भी हमने इनको, इनकी कोचिंग की, इनकी ट्रेनिंग की हर एंगल से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो माजिद बशीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो थोड़ी सी उनकी भी राय ले लेते हैं, कि ख़ासतौर पर मैं ताहा की यहाँ पर बात करूँगा, कि ताहा इस डिस्ट्रिक्ट लेवल में पंजाब लेवल के डिबेटर भी रह चुके हैं, तो वो इनके डायरेक्ट स्टूडेंट रहे हैं, तो चूंकि को करिकुलर एक्टिविटीज़ में सर का बहुत ज़्यादा रोल हुआ करता था, तो उनसे थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं कि स्पेशली इन बच्चों के बारे में वो अपनी क्या राय रखते हैं। जी सर, माइज बशीर साहब। थैंक यू सर, शुक्रिया। सबसे पहले तो इन बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि बहुत बड़ी कामयाबी, ताहनूर, इनामुल्ला, काशियान और जो कलीमुल्ला है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये बच्चे छठी से मेरे स्टूडेंट हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल कलरी में, ताहा, काशियान, करीमुल्ला, ये पहले ही दिन से बच्चे फोकस थे और पढ़ना चाह रहे थे, और सातवीं, आठवीं, फिर आठवीं में भी बहुत अच्छी पोजीशन, और उसके बाद खसूसा जो ताहा नूर की मैं बात करूँगा और काशियान की, कि इन बच्चों ने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, ताहा नात में, सॉरी जो काशियान है नात में इसने पार्टिसिपेट किया, तकरीर में भी किया, ताहा ने
दो तीन दफ़ा बहुत बड़े मुकाबले जीते, जैसे कश्मीर डे पे डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में पहली पोजीशन हासिल की, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और फिर उसने मैट्रिक में जो है 1045 नंबर हासिल किए, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो उसके बाद इनके जो पेरेंट्स हैं सर नूर और बाकी जो टीचर्स हैं जैसे सर अंसर हैं, तो इन लोगों ने खसूसन हमसे जो है रिक्वेस्ट की कि सर इन बच्चों की आप लोगों ने सरपरस्ती करनी है। खसूसन जो है सर माजिद जहांगीर, इन्होंने फिर एडमिशन कराया इन बच्चों का लीडर कॉलेज में। वो कॉलेज पहले साल जो है वो कुछ मसाइल का भी शिकार रहा, जिससे हमें भी कुछ परेशानी हुई, लेकिन उसके बाद जो सेकेंड ईयर में फिर एक कोरोना का एक सेशन आया जिसमें बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, लेकिन फिर भी इन बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी मेहनत की। और देखें इनके नंबर ये जाहिर कर रहे हैं कि मुश्किलात जो हैं वो अच्छे पोटेंशियल वाले बच्चों को और ज़्यादा निखारती हैं। उन्होंने ये साबित किया है, जैसे वो इंग्लिश में कहते हैं कि व्हेन गोइंग गेट्स टफ टफ्स गेट गोइंग, तो इन बच्चों ने जो है ना साबित किया है और बेहतरीन रिजल्ट शो किया है। तो पूरे इलाके के लिए भी खुशी की बात है और खसूसन किस्सा एकेडमी के लिए, किस्सा फैमिली के लिए ये बहुत ही ऑनर की बात है कि हमने इन लोगों की सरपरस्ती की जो कि एक पसमानदा इलाके से आए थे। तो इनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, इनके पेरेंट्स को भी बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना बड़ों की बैठक में कि हम सारे इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि इसमें कलेक्टिव एफर्ट होती है, इसमें पेरेंट्स की तरफ से भी पूरी तरह से भरपूर हमें कोऑपरेट किया जाता है, बच्चों को बैक किया जाता है। सिर्फ टीचर्स या सिर्फ स्टूडेंट या पेरेंट्स के ये कामयाबी नहीं होती, कलेक्टिव एफर्ट होती है, जिससे हम सब की एक रिस्पेक्ट होती है। नो डाउट इसमें बच्चों को, हमारे पास ये बच्चे ऐसे थे कि जिनका पोटेंशियल देखते हुए हम ये जानते थे और हमें अंदाज़ा होता है कि कौन सा बच्चा किस पोटेंशियल के और किस लेवल पे वो स्कोर कर सकता है। और माशाल्लाह इन बच्चों ने ये साबित किया उसमें हर एक बंदे की, जो बंदा इनकी इस मेहनत में इनको सपोर्ट करने में इनका साथ रहा, मैं इस वीडियो की वजह से मैं उन सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेशली मैं यहाँ पे कोड करना चाहूँगा यहाँ पे नूर मोहम्मद को, जो तहा के वाले साहब हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनका हमारे ऊपर एक अनशेकेबल जो ट्रस्ट था वो हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट था। मैं ऐसे समझता हूँ कि उसकी ये मोहब्बत और उसका हमारे ऊपर ये एहसान था कि उसने इतना मुश्किल वक्त में इन बच्चों को ज़रा भी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, बच्चे खुद भी माशाल्लाह बहुत दिलेर थे और हौसले वाले बच्चे थे, तो इन्होंने रिज़ल्ट भी प्रूव किया। इसमें मैं इनके पेरेंट्स को सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जो भी पेरेंट्स यहाँ पे सुन रहे हैं, काशियान के वालदैन, जो इनामुल्ला था ये थमे वाली से बहुत ही बेचारा, ये पीछे से इतना इस लेवल पे नहीं था कि ये किसी अच्छे कॉलेजेस में या इतनी अच्छी तालीम हासिल करे, लेकिन वहाँ पे अभी हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि बच्चों का एक एटमोसफियर बना और एक कॉम्पिटिशन की फ़िज़ा बनी, जिससे बच्चों ने अपना पोटेंशियल ज़ाहिर किया और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिया। तो अब मेरा ख्याल है यहाँ पे खाना भी तैयार हो चुका है, हमारा बारबेक्यू का सेशन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, तो उसके बाद कढ़ाई भी अंसर साहब की तैयार है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई स्वीट भी यहाँ पे बच्चों ने अरेंज कर रखी है। तो अभी हम खाने में आपको शामिल करते हैं। खाना खाया, बेहतर बातें की, तो दिल से थैंक यू सो मच।
सर बहुत शुक्रिया कि आप इतना दूर हमारे लिए आए और आपने हमारे लिए, पहले तो आपका ये शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने थ्रू आउट द ईयर आपने इतनी मेहनत करवाई और उसके बाद फिर हमारी दावत को कबूल किया और इतना दूर आए हमारी दावत को भी, और हमें हमारे लिए ये बात से फख्र है कि हमारे टीचर हमारे पास आ रहे हैं दावत खाने। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया पूरे साल के लिए और फिर स्पेशली इस दावत के। सर बहुत शुक्रिया आप हमारे लिए आए और इतने दूर यहाँ पर आप आए और हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया, बहुत शुक्रिया। मैं तमाम टीचर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि हमारी इस दी दावत पर आए और हमने बहुत इन्जॉय किया, शुक्रिया सर। जी तो हम पहुँच चुके हैं वापस मियांवाली अपने शहर, तो आप देखें रात का नज़ारा। ये रेस्क्यू 1122 का यहाँ पे ऑफिस है, ये हमारा कश्मीर पार्क और ये हमारा खूबसूरत मियांवाली। सुबह आपने देखा था जब हम यहाँ पे जा रहे थे, अब हम यहाँ पे आज का हमारा सफ़र ख़त्म हुआ। यकीनन आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया, हमने भी काफ़ी अरसे के बाद हम सारे दोस्त हैं वहाँ मिल के बैठे, खुशी का समा था, बहुत ही अचीवमेंट थी बच्चों की तरफ से। तो यहाँ पर हमारा सफ़र ख़त्म हुआ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, थैंक यू जी।